या फिर चैनल भी नवाज पे सलासा टिटनो के शेयर में अभी क्या करना चाहिए। सलासा टिटनो का जो शेयर का प्राइस है जो इसका 52 मतलब माफ कीजिए जो इसका प्रीवियस क्लोज प्राइस है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। शेयर का प्राइस 17.63 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और शेयर का जो प्रीवियस डे प्राइस है मतलब प्रीवियस प्राइस है शेयर का क्लोज प्राइस जो कि 17.87 पैसा है, मतलब जो प्रीवियस क्लोज प्राइस है उससे थोड़ा सा नीचे सलासा टिटनो का शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है। एक दिन में देखेंगे तो सलासा टिटनो का जो शेयर है लगभग 0.24% डाउन हुआ है। ओपन हुआ था प्रीवियस क्लोज के अगर देखते हैं तो उससे बहुत ज्यादा नीचे जो शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है सलासा टिटनो। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं 2,988.6 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो देखिए कंपनी यहाँ पे बोल सकते हैं कि सलासा टिटनो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी का बिजनेस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे शेयर का प्राइस कुछ खास रिटर्न नहीं दे रहा है इन्वेस्टर्स को। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए सलासा टिटनो के शेयर में, टेक्निकली शेयर कैसा है, कंपनी कैसा है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, तो स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। शुरू करते हैं स्टॉक की बात। देखिए सलासा टिटनो का जो शेयर है जैसे कि बहुत ज्यादा नीचे जो शेयर का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है जो कि 17 रुपीज के आसपास शेयर पहुंचा है दोस्तों। तो शेयर अगर यहाँ से तेजी बनाता है तो बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल नहीं रखना चाहिए सलासा टिटनो के शेयर में, ऐसा हमें लगता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि 2,988.69 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीई रेशियो की बात करते हैं सलासा टिटनो का 56.78 है, ईपीएस की बात करते 0.31 है। कंपनी ने जो एक दिन में शेयर का प्राइस बहुत जबरदस्त डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। सलासा टिटनो जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में टावर वगैरह बनाता है, इसमें अगर देखेंगे तो सलासा टिटनो का जो सोलर का बिजनेस है, सलासा टिटनो का जो बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का बिजनेस है, तो इसके जो बिजनेस है उसमें से एक बहुत जबरदस्त कंपनी को प्रॉफिट वगैरह होता है। टेलीकॉम टावर्स को लेकर कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिलता है। कंपनी का ऑर्डर बुक अगर देखते हैं सलासा टिटनो का जो कि बहुत ही जबरदस्त का ऑर्डर बुक है, एक दिन में देखेंगे तो शेयर का प्राइस लगभग 11.08% के आसपास अभी डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर जो है सलासा टिटनो का जो कि ट्रेड कर रहा है 17.67 पैसे के आसपास जो सलासा टिटनो का शेयर का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे देखते हैं सलासा टिटनो का जो शेयर है मतलब एक हफ्ते में जो शेयर का प्राइस देखते हैं तो 5.40% डाउन हुआ है सलासा टिटनो का शेयर और वन मंथ में देखेंगे तो 11.03% डाउन हुआ है सलासा टिटनो का शेयर का प्राइस दोस्तों। तो अभी यहाँ पे कंपनी जो है देख सकते हैं मतलब कुछ खास जो है सलासा टिटनो के शेयर में तेजी वगैरह नहीं बन रहा है और हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा टारगेट का सलासा टिटनो शेयर में रखना चाहिए दोस्तों। कंपनी का आप देख सकते हैं एक दिन में जो शेयर का प्राइस जो है जो एक लो प्राइस बनाया है सलासा टिटनो के शेयर में दोस्तों जो कि 17.57 पैसे का है और एक दिन का जो इसने एक हाई प्राइस बनाया है 18.09 पैसे का है। 52 का यहाँ पे देख सकते हो तो लो प्राइस है 8.73 पैसे का, 52 का जो हाई प्राइस है 33.95 पैसे का। प्रीवियस क्लोज प्राइस की बात करते हैं सलासा टिटनो का दोस्तों 17.87 पैसे का है, मतलब प्रीवियस जो प्रॉफिट आगे चल के हो सकता है। अगर देखते हैं दोस्तों टेलीकॉम है, टेलीकॉम टावर्स को लेकर कंपनी के पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है या फिर बहुत सारे और मतलब कंपनी का जो यहाँ पे बिजनेस है। तो अभी यहाँ पे सलासा टिटनो का अर्निंग्स देखते हैं दोस्तों, तो अर्निंग्स देख सकते हैं 529.33 मिलियन का जो कंपनी का अर्निंग्स देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि 31.48 बिलियन के आसपास है। तो अभी यहाँ पे कंपनी का जो है सलासा टिटनो का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है जो कि 12.08 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी का जो सलासा टिटनो का जो यहाँ पे बोल सकते जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जहाँ पे कंपनी का देखिए जो लाइबिलिटीज है वो यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। कंपनी का लाइबिलिटी जो यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो एसेट्स है वो यहाँ पे इंक्रीज होता
जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बोल सकते हैं बहुत सही है कंपनी के लिए। कंपनी का लायबिलिटी सीरियस हो रहा है, कंपनी का जो एसेट्स है एसेट्स जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मतलब ईयरली अगर देखे तो 24 में जो है कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह इंक्रीज हुआ है दोस्तों। अभी यहाँ पे कंपनी का जो बोल सकते फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखते हैं 24 का, तो हो सकता है कि मतलब कंपनी का जो Q1 25 में जो है कंपनी अच्छा प्रॉफिट वगैरह करे। आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है कि 24 में कंपनी का जो कि 20.25% इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि 26.52% इंक्रीज हुआ है। कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं दोस्तों, जो कि 34.83% कंपनी के जो ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी का बात करते हैं जो मतलब नेट प्रॉफिट है साल से देखने का, जो कि 31.77% नेट प्रॉफिट इसका इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि मतलब Q4 24 में कंपनी को एक अच्छा खासा बिजनेस हुआ है। अभी यहाँ पे देखते हैं तो बहुत ज्यादा जो है फिलहाल साफ के शेयर के प्राइस में मतलब जो है टारगेट वगैरह नहीं रखना चाहिए दोस्तों, ऐसा हमें लगता है। अगर आप देखते हैं तो साफ के शेयर है जैसे कि अगर तेजी बनाता है तो लगभग मतलब 18-19 rupees के आसपास ये शेयर पहुंचता है, तो उसके बाद जो है शेयर का प्राइस डाउन होता है। मतलब यहाँ से अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा एक टारगेट प्राइस जो है शेयर में नहीं रखना चाहिए। कंपनी का देखते जो कि साफ जो है 360 degree सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है बाय कैरिंग आउट इसका इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग फेब्रिकेशन जो इसके काम है, मतलब का जो ये बिजनेस प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड इसके जो सेगमेंट्स है देखते हैं जो कि स्टील स्ट्रक्चर्स में है एंड इंजीनियरिंग में है, प्रोक्योरमेंट में है, कंस्ट्रक्शन एपीसी में है। कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैनुफेक्चरिंग एंड सेल ऑफ जो बोल सकते इसके जो नॉन गवर्नमेंट स्टील स्ट्रक्चर्स है। अब इंक्लूडिंग टेलीकॉम टावर्स की बात करते हैं कंपनी का, जो कि ट्रांसमिशन लाइन टावर्स है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है एंड सोलर पैनल्स है। तो टेलीकॉम टावर्स और सोलर पैनल्स ये दोनों बिजनेस से जो कंपनी को अच्छा खासा एक प्रॉफिट होता है। कंपनी का आप देख सकते हैं कंपनी जो यहां पे सच एज ब्रिजेस एंड हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स अमंग अदर्स। सर्विस इंक्लूड्स बात करते हैं कंपनी का कंप्लीट जो है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंट्रोल फॉर प्रोजेक्ट्स। तो अभी मतलब सलासा टेक्नो का देखते हैं तो हैविंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है सलासा टेक्नो का जो अभी मतलब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखने को मिल रहा है जो कि 211,000 million बॉन्ड्स पर एनम का इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो कंपनी का बोल सकते हैं कि आप बिजनेस स्ट्रॉन्ग है सलासा टेक्नो का, और कंपनी जो यहाँ पे हो सकता है कि आगे चल के सलासा टेक्नो के शेयर में तेजी वगैरह देखने को मिले। फिलहाल एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस सलासा टेक्नो के शेयर में नहीं रखना चाहिए ऐसा हमें लगता है दोस्तों। देखिए सलासा टेक्नो का जो शेयर का प्राइस है जो कि प्रीवियस जो क्लोज प्राइस है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ से पहले शेयर जो अगर देखेंगे तो थोड़ा तो तेजी बनाएगा। मतलब शेयर अगर यहाँ से लगभग 17.90 paise के आसपास पहुंचेगा तो उसके बाद हो सकता है कि शेयर में थोड़ा बहुत तेजी बने। अभी यहाँ पे अगर किसी ने थोड़ा तो ज्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है तो हमें लगता है कि एक बार अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए। जो 52 का लो प्राइस है दोस्तों उससे बहुत ज्यादा नीचे शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है, और जो 52 का लो प्राइस है उससे थोड़ा सा शेयर में जो यहाँ पे रिटर्न दिया है। आपको कैसा लगता है दोस्तों सलासा टेक्नो का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सीनोविज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।